और ये एक जगह ऐसे हिंदुस्तान में, ऐसा एक हिंदुस्तान है कि जहां पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले लोग एक हिंदुस्तान में है, और एक जगह पे सबसे कम संपत्ति, संपत्ति नहीं, हर रोज पालने का, पेट पालने का कैसा वैसा काम करते हैं, और इसी की लड़ाई राहुल गांधी आज लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से निकले हैं झंडा लेके, कांग्रेस का झंडा नहीं, देश का झंडा लेके निकले हैं। हजारों लाखों लोग उनके साथ में शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो अभियान करके। किस लिए अभियान है? वो अभियान इसलिए है कि जिस तरह से नफरत का, खौफ का, भय का वातावरण इस देश में पैदा कर किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू एक दूसरे के साथ नहीं जा सकता, तू गरीब है, तू अमीर है, हर एक के मन में एक तरह की दरिया दूरिया पैदा करती जा रही है, वो दूरिया मिटाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। दिलीप पाटिल जी ने बड़े विस्तार से अपना भाषण यहाँ पे दिया, किस ढंग से कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है, और राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे यहाँ पे निकले हैं, माता वैष्णो देवी पूरा आशीर्वाद रहे, जिस मकसद के लिए निकले हैं, भारत जोड़ने की बातें करते हुए जो नफरत की दीवारें इस राजनेताओं ने यहाँ पे खड़ी किया, वो दीवारें हम गिरा दें तो हमारा मकसद यहाँ पे पूरा हो जाएगा। वो राजनेता, वो सियासी पार्टी है जो हिंदुस्तान में नफरत की दीवारें खड़े करके अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास मजबूत रहे, भाईचारा मजबूत रहे, वहीं से खुशहाली का माहौल, वहीं से हमारे तरक्की का माहौल, वहीं से विकास का वो माहौल हमें देखने को यहाँ मिले। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपने घर में दोबारा वापस आए। उम्मीद करता हूँ कि इनके बॉस, हमारे दोस्त जो थे, नाम नहीं लूंगा, नाम इनको पता है, उनको भी वो ये वापस लाएंगे।